बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTAH 101 का लेक्चर नंबर 11 और 12 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, हमें उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देख ले, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। अच्छा, कोई फंक्शन है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस कब होता है? फंक्शन एफ इज सच टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सबसे पहले कि एफ सी इज डिफाइंड, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है ना उसमें हम कोई कॉन्स्टेंट पुट करें और वो हम ईजिली उसको डिफाइन कर सकें। सेकेंड कि हमारे पास जो है ना फंक्शन लिमिट हम अप्लाई कर दे कॉन्स्टेंट फंक्शन पे और वो एग्जिस्ट कर रही हो। और थर्ड क्या है कि इन दोनों का हम जो है ना इनका आंसर जो है ना वो इक्वल आ जाए अगर, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसमें क्या है, कहते हैं शो डैट एच एक्स इक्वल्स टू 2x² - 5x + 3 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ना शो करें कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक किस तरह से करेंगे कि हम इस फंक्शन का ले लेंगे लिमिट अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है, और जहाँ पे जो हमारा फंक्शन था ना जहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को हम जो है ना वो अप्रोच करेंगे सी से, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना। और हमने ये देखना कि ये एफ सी के जो है ना हमारे पास डिफाइंड हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास एफ सी डिफाइंड होता है कि नहीं। ये फंक्शन था, हमने इसमें जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने सी पुट किया, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए जो है ना ये वाली हमारे पास जो है ना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एफ सी का जो है ना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, कहते हैं डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन कर दिया, और देखें ये मैंने पहले भी बताया था कि जब लेस देन होता है ना तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ग्रेटर देन आ जाए तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। और फंक्शन एफ सी डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक्स इक्वल दिया हुआ है इन्होंने हमें 4 के। ठीक है, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एफ सी फंक्शन है वो डिफाइंड होता है कि नहीं। ठीक है, एक्स हम सी जो है ना एक्स पे हम 4 पुट करेंगे, और ये हम किस में करेंगे जहाँ पे इक्वल का साइन भी साथ नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास इक्वल भी है ना, एक्स इक्वल या इक्वल है या जो है ना लेस देन है 4 के। तो ये -2x + 8 जो है ना इसमें हम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास 0 आंसर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़रा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने एफ सी तो डिफाइन कर लिया, अब हमने लिमिट चेक करनी है कि हम अगर लिमिट लगाते हैं एफ एक्स फंक्शन के ऊपर तो क्या वो आती है कि नहीं। हमने लिमिट लगाई, ये जो हमारे पास ये था -2x + 8, ठीक है, ये जो हमारे पास लेस देन वाला था ना वहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ना एक्स की जगह हमने 4 पुट किया, तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया 0। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन जो होता है हमारे पास वहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो 1/2x - 2 जो है ना वहाँ पे जहाँ पे एक्स उसकी जगह हम 4 पुट करेंगे। तो हमने सेम ये किया कि हमने राइट हैंड लिमिट में जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने 4 पुट किया, तो 2 1 0 2 2 4, तो हमारे पास 2 - 2 आ गया था, वो हमारे पास आ गया 0। अब देखिए हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, एफ सी डिफाइंड हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, सो द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एट 4। तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि एफ से भी डिफाइंड आ रहा है और इसकी लिमिट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब फिर हमें एक्स दिया है इन्होंने 4 के। ठीक है, अब इसमें भी हमने वही स्टेप करने, एफ से डिफाइन करना है सबसे पहले। देख लेते हैं लेस देन, ये हमारे पास लेस देन के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और जब इक्वल का साइन आ जाए ना तो वो मैंने क्या बताया था, हम इक्वल इन्होंने बताया हुआ हमें 4 के रखना है, यानी कि एफ सी हम डिफाइन करेंगे 2 के ऊपर, और फिर है ग्रेटर देन, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो हम ग्रेटर देन यानी ये वाली इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे 4 को। सबसे पहले एफ सी हम डिफाइन कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 4 रख के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये था किसमें इक्वल था, ये वाले में लेस देन और इक्वल का साइन आ रहा था, हमने पहले भी तो यही किया था ना, तब हम इसमें -5 + x में x की जगह हम 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास -1 आ गया। अब हम जी एक्स यानी कि लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट मैंने अप्लाई की, लिमिट 2 पे अप्लाई होगी। क्यों लिमिट हमारी 2 पे अप्लाई होगी? बिकॉज लेस देन होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आ रही है 2 के ऊपर। जब मैंने लिमिट अप्लाई की 2 के ऊपर तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है वो ऐसे ही आ जाता है, इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर -1 है। नेक्स्ट देखें, हम लिमिट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आता है ना ऊपर, और हमने लिमिट लगाई -5x + 8। अब देखिए ये ग्रेटर देन यानी राइट हैंड लिमिट, तो इसमें मैंने वैल्यूज को पुट किया
तो हमारे पास माइनस वन आ गया। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन था जब हमने फोर पुट किया तब भी माइनस वन आया, और हमारे पास जो फंक्शन था पॉजिटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड उसके लिए भी हमारे पास माइनस वन आया। तो कहते सोर्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये दोनों इक्वल हैं नहीं, ये टू ये माइनस वन है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ठीक है, नॉट कॉन्टीन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट चेक हमने करना है कॉन्टीन्यूटी, फिर वही सवाल है उसी तरह से ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया, ठीक है, एफ एक्स एक्स प्लस थ्री। इसके ऊपर हम जो है ना लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट फंक्शन उसके बीच में लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, एक्स अप्रोचेस टू थ्री था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे थ्री है, वहाँ पे हमने थ्री पुट किया, थ्री प्लस थ्री में पास आ गया सिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट एफ सी डिफाइन करते हैं ना, क्या करना होता है, एफ सी भी डिफाइन करना है और लिमिट भी लगानी, पहले हमने लिमिट लगा दी, अगर हम एफ सी डिफाइन करते हैं तो एफ हमने सी की जगह थ्री पुट किया, तो हमारे पास इसी फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे थ्री पुट किया, थ्री प्लस थ्री सिक्स आ गए, यानी कि ये हमारे पास सेम आ गए, और जब हमारे पास एफ एक्स का फंक्शन और एफ सी का फंक्शन इक्वल आ जाए तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कॉन्टीन्यूस, पता बताएं कि क्यों हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं आ रहे। एफ एक्स इक्वल्स टू नाइन माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री माइनस एक्स, ठीक है, तो ये फंक्शन हम जब तब लगाएंगे जब हमारा एक्स इक्वल नहीं है थ्री पे, ठीक है, और हमने फोर हमारा एफ सी जब हमने डिफाइन करना है तो फोर के ऊपर, यानी कि एफ फोर हमारे पास आ जाएगा थ्री के इक्वल, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लिमिट को, लिमिट हमने अप्लाई की तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसको हम नाइन को हम थ्री में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि थ्री थ्री जर नाइन नाइन हो तो हम क्या करते हैं थ्री थ्री जर नाइन एंड थ्री वन जो थ्री, अब नाइन की जगह मैं थ्री का स्क्वायर पुट कर सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे था थ्री माइनस एक्स, अब इसको हम ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसी तरह से हमने इसको थ्री माइनस एक्स और थ्री प्लस एक्स लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, थ्री प्लस एक्स बचा, वहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 3 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉन कॉन्टीन्यूस फंक्शन x इक्वल टू 3 बोला हुआ है, लिमिट अप्लाई की तो 3 प्लस 3 में पास आ गया 6। अब हमने f3 पे तो f3 मैंने क्या कहा था हमारा एफ सी हमने डिफाइन करा ना कॉन्स्टेंट के लिए, वो हमारे पास इक्वल आ रहा था 4 के, अब ये 4 और ये 6 इक्वल तो नहीं है ना, यानी कि हमारे पास जो लिमिट आई है वो f3 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। होप सो आपको जो है ना इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा लेक्चर नंबर 13, इसमें है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी हमने डिफाइन करनी है। पहले डिटरमाइन करें, आपको ये हमने फंक्शन दे दिया है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए, फिर हम राइट हैंड लिमिट से भी करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लिमिट है ना वो अप्रोच कर रही होगी जीरो, जो है ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स ओवर हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट की वैल्यू हमने लिखी, ठीक है। अब ये नेगेटिव के लिए था ना, तो हम जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है, ये एक दफ़ा माइनस में होगी, एक दफ़ा ये प्लस में होगी, जब माइनस वाली होगी वो हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए ले लेंगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब मैंने ली तो इसकी जगह मैंने माइनस लगाया, ठीक है, लिमिट के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ना हम एक रूल है जो हमें कहता है क्रोलरी लिमिट कहती है, बाय क्रोलरी लिमिट हमें कहते हैं वन माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ पे कॉस एक्स हो, यहाँ पे भी कॉस एक्स हो, यहाँ पे वन, तो ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास जो आ रहा था ना वो हमारे पास यहाँ पे x आ रहा था, हमने उसकी जगह माइनस एक्स पुट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ गया, माइनस एंड माइनस, ठीक है। अब ये जो ना हमारे पास कंडीशन क्या कंडी थी, हमने यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्स आना चाहिए था, अगर हम इसको यहाँ पे बाय माइनस लगा लेते हैं ना तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई करती है कि ये इक्वल है जीरो के, ठीक है, तो वो माइनस जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही हो जाता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देख लें, उसके लिए हम जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे एक तो ये एक्स अप्रोच करेगा पॉजिटिव को, दूसरा ये कि यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्स रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखा हमने, और हमारे पास वन माइनस कॉस एक्स और एक्स इक्वल होता है जीरो का, तो ये डायरेक्ट हमारे पास जीरो आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट फाइंड द इंटरवल ऑन विच गिवन फंक्शन, अब ये फंक्शन है कहते हैं कॉन्टिन्यूस है कि नहीं ये बताना है, इसको हम थोड़ा सा अगर हमसे हो सका तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हम जब हमने बताना होना कि कॉन्टीन्यूस है कि नहीं फंक्शन और इंटरवल वाला फंक्शन, हम ये करते हैं कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम इक्वल जीरो के रख के ना वैल्यूज़ बता देते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कहाँ से लेके कहाँ तक इंटरवल में वैल्यूज़ जो है ना वो डिसकॉन्टीन्यूस होंगी और बाकी सारी हमारी कॉन्टीन्यूस होंगी। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला जो फंक्शन था उनका इट इज़
फैक्ट इज कॉन्टिन्यूस ओनली जब डिनोमिनेटर होगा हमारे पास जीरो। तो मैंने नीचे वाली वैल्यू को इक्वल रख लिया जीरो के, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी ना सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास ये टेन है ना, तो हमारे पास फाइव टू जो टेन होता है, यानी कि हमारे पास है ये फैक्टराइजेशन। तो टेन आए हमारे पास मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे प्लस माइनस करें तो थ्री बने। तो हमारे पास जो है ना टू फाइव जो टेन भी होता है, और फाइव में से अगर हम टू को माइनस करें तो थ्री एक्स भी आ जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस फाइव प्लस ये टू कॉमन आ गया एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, एक साथ लिख लेंगे और इनको कॉमन करके एक दफा लिख लिया इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को रहता रहता जीरो के इक्वल रखा तो माइनस टू एंड फाइव आ गया, यानी कि माइनस टू और फाइव इन दोनों के दरमियान जो है ना वो हमारे पास फंक्शन जो है ना वो डिसकॉन्टिन्यूज है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि नंबर लाइन थी ना, तो जीरो माइनस वन माइनस टू है माइनस थ्री है, ये हमारे पास सॉरी प्लस वन प्लस टू, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी वाली साइड है और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो हमारे पास कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी है ना वो हमारी सारी जो है ना वो कॉन्टिन्यूज है, लेकिन कहाँ तक नहीं है, टू तक, यानी यहाँ से ये कॉन्टिन्यूज नहीं है। फिर यहाँ से लेके ये फाइव तक कॉन्टिन्यूज नहीं है, यहाँ पर लेट सपोज फाइव है तो यहाँ से लेके फाइव तक कॉन्टिन्यूज नहीं है, लेकिन आगे जो है ना वो कॉन्टिन्यूज है। हम क्या कहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यहाँ से मतलब यहाँ से ब्रेक, यानी कि माइनस टू बीच में शामिल नहीं है। फिर माइनस टू से फाइव तक जो है ना वो हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूज रहेगा, और फिर फाइव के बाद यानी कि फाइव को निकाल के उसके बाद जो है ना हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूज रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट देखा, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फिर वही करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल रख लेंगे जीरो के। फिर हमने जब दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और यहाँ से मेरे पास आ गया टू, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन जीरो वन टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस वन माइनस टू। अब यहाँ पे जो ये जो माइनस टू है ना, बस यहाँ पे इस फंक्शन पे जो है ना ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इसके बाद और इससे पहले, पहले और बाद ये दोनों जो है ना वो कॉन्टिन्यूज हैं। तो मैं कह दूंगी कि माइनस इन्फिनिटी है लेकिन माइनस टू शामिल नहीं है, और उसके बाद माइनस टू से तो शामिल नहीं है लेकिन उसके बाद जो प्लस इन्फिनिटी है वहाँ तक वैल्यूज जा रही हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर ने करना है हमारे पास जो गिवन है, ये जो है हमारे पास एक रूल है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। सेकेंड ईयर में भी इसको जो है ना आपको चैप्टर नंबर वन में मिल जाता है, लिमिटेड वाले जो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल होता है वन के, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लिमिट हो, यहाँ पे साइन के साथ जो वैल्यू होगी ना वो नीचे भी होनी चाहिए, यानी कि उसका पैरामीटर जो होगा वो यहाँ पे भी हो तो वो इक्वल आ जाती है, पूरी वैल्यू को हम वन रख देते हैं। अब सवाल था साइन थ्री एक्स ओवर फोर एक्स, ठीक है, मैंने लिखा साइन थ्री एक्स फोर एक्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फोर नहीं चाहिए, थ्री एक्स है ना, यहाँ पे भी नीचे भी थ्री एक्स होना चाहिए था। मैं क्या करूँगी, इस फोर को मैंने बाहर निकाल लिया, वन ओवर फोर लिमिट साइन थ्री एक्स ओवर एक्स हो गया। अब इस एक्स के साथ मुझे थ्री चाहिए तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको थ्री को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगी। जब मैंने थ्री को मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना तो एक ये साइन थ्री एक्स है ना, ये थ्री मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया और डिवाइड यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी कंडीशन मेरे पास वन बन गई और थ्री ओवर फोर, तो ये थ्री ओवर फोर को वन से मल्टीप्लाई करो तो थ्री ओवर फोर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हमने करना है कॉस टू थीटा प्लस वन ओवर कॉस थीटा, इसको हमने कंप्यूट करना है। तो हमने ना ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि कॉस टू थीटा जो होता है ना वो इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के, ठीक है। हमने इसकी जगह ना ये वाली वैल्यू पुट की, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो गए तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या था कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ हमारे पास बच गया टू कॉस थीटा। अब जो लिमिट थी वो कहती है कि थीटा अप्रोच करे जीरो को, तो कॉस जो है वो जीरो पुट करेंगे और कॉस जीरो इक्वल होता है वन के, हम यहाँ पे कॉस जीरो की जगह वन लिखेंगे, टू वन जा टू, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप सो आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जो है ना मिड टर्म का सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगी आपको, ताकि आपको जो है ना अच्छे मार्क्स लेने, अच्छे CGPA लेने में जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।